बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉस्टैक्स की सर्वाइवल सीरीज में हम एक नए एपिसोड के साथ आपके पास आए। कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाइए, क्योंकि किसी भी जंग की सूरत हाल में दुश्मन सबसे पहले अपने दुश्मन मुल्क के पावर सिस्टम्स पर हमला करता है, और अगर बिजली चली जाए तो फिर आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आज के दौर में खासतौर पर शहरी इलाकों में बगैर बिजली के रहना तकरीबन नामुमकिन है। तो घरों में सोलर सिस्टम्स के हवाले से हमने एक प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, हम उसके ऊपर आज हम आपको थोड़ी सी ये ब्रीफिंग देंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलकर फील्ड में हो तो वहां पर आप अपने लिए इमरजेंसी लाइट्स, पावर सिस्टम और टॉर्चेस का बंदोबस्त किस तरह करें, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, इक्विपमेंट जमा करना पड़ता है। आजकल लॉकडाउन की वजह से चीज़ें मिलना भी मुश्किल हो गई हैं, बाहर से भी नहीं आ रही, और जिस तरह हालात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप फोकस करें अपनी सर्वाइवल पैकेज बनाने पर कि जो आने वाले वक्तों में आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को कारामद होगा उनके लिए। देखिए, अल्लाह ताला ने बिजली का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम इंसान को दिया है, वो अल्लाह ने करम फरमा दिया। इंसान सिर्फ उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और वो तकरीबन मुफ्त है उसके लिए, और उसको कहते हैं सोलर सिस्टम, बिजली सूरज से जो बिजली बनाई जाती है। तो जिस तरह घरों की छतों पे आपने देखा है बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई जाती हैं, इस तरह छोटी प्लेट्स भी आती हैं, ऐसी छोटी प्लेट्स की जिनमें डिफरेंट पावर कैपेसिटी है, 50 वाट की, 100 वाट की, 200 वाट की, 10 वाट की। और इन सोलर चार्जिंग सिस्टम्स के साथ, क्योंकि अगर बिजली चली जाए तो आप अपने सिस्टम्स को कैसे चार्ज करेंगे, मोबाइल फोन को कैसे चार्ज करेंगे, आप अपने रेडियो को कैसे चार्ज करेंगे, इमरजेंसी लाइट्स को कैसे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये सोलर पैनल होना ज़रूरी है। और ये जिस तरीके से अब तकरीबन बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह ये एक लालटेन है जो बिजली से चलती है और आप उसको इस कई घंटे ये काम करती है, इसको भी आप इस सोलर से चार्ज कर सकते हैं। सारा दिन चार्ज करते रहिए, रात में आपको काम देगी। इसी तरीके से ये एक इमरजेंसी लाइट है, इसका भी यही सिलसिला है, सोलर पे लगा दीजिए, चार्ज करते रहिए इसको, ये आपको कई घंटे करामत रहेगी आपके लिए। इसी तरह ये सर्च लाइट है, ये सर्च लाइट बहुत काम आने वाली चीज़ है कि आपको कोई चीज़ तलाश करनी पड़े जंगल में, रेगिस्तान में, घरों के बाहर दूर तक देखना पड़े कि क्या हो रहा है उसके लिए, लेकिन अगेन ये भी सोलर से चार्ज हो जाती है आराम से। घर में अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो घर के सोलर सिस्टम से आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये सोलर सिस्टम गाड़ी में आपके साथ रह सकता है, आपके बैकपैक में हो सकता है, आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए ये करामत हो सकता है। और जिस तरह ये एक अगेन ये भी एक सिस्टम है, इसमें खास बात ये है कि इसमें आगे टॉर्च भी है, इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम्स भी लगे हुए हैं, यानी बैटरी पैक इतना बड़ा इसका है कि आप इसमें हर चीज़, अपना मोबाइल फ़ोन हो, अपने जो भी चार्जेबल लाइट्स हैं, जो भी सारा, वो सब आप इससे चार्ज कर सकते हैं। ये खुद सूरज से चार्ज हो सकता है, खुद बिजली से, अगर बिजली हो तो बिजली से चार्ज हो सकता है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर एक रेडियो भी लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपकी बिजली चली जाती है तो आपकी केबल काम नहीं करेगी, और आप फिर दुनिया से खबरें कैसे लेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमेशा चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कितनी भी 21वीं सदी में हम चले जाएं, ये जो 19वीं सदी के आगाज़ का रेडियो सेट है ये हमेशा करामत रहता है। आपका FM रेडियो स्टेशन इलाके का, आर्मी ब्रॉडकास्ट, गवर्नमेंट की ब्रॉडकास्ट, रेडियो पाकिस्तान, उसकी आप खबरें सुन सकते हैं जो आपको अपडेट्स देती रहेंगी कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसी तरह जिस तरह कहा कि अगर आप टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, ये टॉर्च जिस तरह हैंड हेल्ड टॉर्चेज हैं, तो इन टॉर्चेस के एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स रखिए, या अगर चार्जेबल हैं तो इनके फिर चार्जर्स रखिए, और अगेन वही चार्जर्स, या आप उनको सोलर सिस्टम से चार्ज करें, या एक्स्ट्रा सेल आपके पास हो कि आप उसको रिप्लेस करते रहें। अगर आपने एक टॉर्च रखी है और एक्स्ट्रा बैटरी सेल नहीं रखे और कोई चार्जिंग का इंतजाम नहीं है, तो फिर जाहिर है चंद घंटों के बाद ये खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक इजाफी बोझ होगा आपके हाथ में। ये आपने देखा है अक्सर लोगों के पास है, कार चार्जर है, ये लगा होता है गाड़ी में, आप लगा देते हैं और ये आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है। ये कार के साथ मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकता है, और आप इसके कनेक्टर और केबल रखिए ताकि आपके जितने भी ये लैंप्स हैं, ये सारी इमरजेंसी लाइट्स हैं,
ये सब भी इससे चार्ज हो सके। ये जो डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी कार में लगती है, कार चार्जिंग के जो सिगरेट लाइटर की जगह उसमें लग जाती है। और इसके खास बात यह है कि ये गाड़ी के 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। सो आपके वो तमाम सिस्टम जो बराह रास्त 220 वोल्ट से चलते हो, मसलन आपका मोबाइल फ़ोन का चार्जर है जो 220 वोल्ट से चलता है, वो डायरेक्टली वो चार्जर आप इसमें लगा के अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, या डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम्स हैं या रेडियोज़ हैं या कोई और चीज़ें जो हैं, तो ये आपको 220 वोल्ट देती है। बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, एमरजेंसी में जब घर में लाइट ना आ रही हो तो आप अपनी गाड़ी में इसको लगा कर कुछ चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, या रोशनी हो सकती है आपके पास, या इसको डेफिनेटली एक करामद आइटम है। नाउ दिस इज अ हेडलाइट, ये हमने आपको पहले भी बताया कि सर के ऊपर लाइट लगा के जब आप काम करते हैं तो आपके दोनों हाथ खाली होते हैं, इंतहाई करामद आइटम है। खास तो आप इवन चाहे आप कारपेंटरी कर रहे हों, चाहे आप बिजली का स्विच लगा रहे हों, चाहे बर्तन धो रहे हों, या बच्चों को संभाल रहे हों, या घर की सिक्योरिटी आसपास के इलाके को देख रहे हों, तो अगर लाइट आपके सर पे लगी हुई है तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आपके दोनों हाथ फारिग हैं, हर वक्त आपको टॉर्च हाथ में लेकर। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टॉर्च पर मुंह में फंसा के हाथों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लुक स्टूपिड बिकॉज दे डोंट हैव दिस बेसिक इक्विपमेंट, हर एक के पास होना चाहिए। और इसी का एक एडवांस वर्जन जो आप ये देख रहे हैं कि आपने हेलमेट के ऊपर ये लाइट लगा ली है, और अब ये हेलमेट आप अपने सर पे पहन लेते हैं, टेक्टिकल हेलमेट है, इसके ऊपर लाइट लगी हुई है, इसके साइड पे भी ये जो लगा हुआ है ये छोटी सी टॉर्च है। आप इसमें मॉड्यूलर होता है लिहाजा आप इसे मुख्तलिफ सिस्टम लगा सकते हैं, इसमें आप कैमरा भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने हेलमेट में छोटी सी लाइट लगा ली है, तो ये हमारे टेक्टिकल कॉम्बैट गियर के साथ भी वी हैव अ फ्लैश लाइट ऑन आवर हेड कि जो जरूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन जैसे कहा कि अगर जो भी सिस्टम आप इस तरह का लेंगे अगर वो चार्जेबल है तो उसके लिए आपको चार्जिंग सिस्टम्स चाहिए, वरना एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ बाहर जाके फंस मत जाइएगा कि मैंने बैटरी ख़त्म हो गई मेरी और अब सिस्टम मेरा बेकार हो गया। एक बहुत काम की चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये कार सिस्टम है, ये बेसिकली सर्च लाइट है, बहुत पावरफुल लाइट है, फ्लड लाइट इनफैक्ट, सर्च लाइट भी नहीं। आप ये देख रहे हैं कि इसके नीचे ये दो टर्मिनल लगे हुए हैं जो गाड़ी की बैटरी पे लग जाते हैं, और ये एक पैनल इतना पावरफुल है कि अगर आप फुटबॉल स्टेडियम के कोने पर गाड़ी खड़ी करके इसको लगाएं तो पूरा स्टेडियम रोशन कर देगी। ये एमरजेंसी में बहुत कारामद होती है, ख़ास तौर पर अल्लाह ना करे कोई पब्लिक फंक्शन है रात के वक्त, जनाजा है, कोई आ रहा है किसी को रिसीव करना है, कोई खेमे लगाने हैं, टेंट खोदने हैं, टेंट के लिए जगह खोदनी है, जगह तैयार, तो फील्ड के अंदर एक लाइट इतनी रोशनी दे देती है कि पूरा जैसे कहा फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो आप कवर कर सकते हैं इससे। और ये सिर्फ गाड़ी की बैटरी से चलती है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दीजिए इसको लगा दीजिए, और एलईडीज हैं तो बहुत कम पावर लेती है, मगर लुमिन्स इसके बहुत पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी रोशनी देने की कैपेसिटी। ये भी इतने महंगे आइटम्स नहीं है, आप इनको अगर थोड़ा सा कोशिश करें तो इनको तलाश कर सकते हैं। हमने ये दुबई से मंगवाई थी, दुबई सिटी सेंटर में डेरा में, जो दुबई से वाकिफ़ है जो लोग, उसके सामने एक दुकान है बड़ी अच्छी सी सयाद के नाम से, उसके पास ही सारे हंटिंग और कैंपिंग इक्विपमेंट मिलते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी हैव शोन यू इज कि अपने आप को ऑफ ग्रिड करने के लिए, अपने आप को बिजली के इस सारे निज़ाम से डिस्कनेक्ट करके आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, कि आपके पास अपने तमाम चार्जिंग सिस्टम्स हैं, आपका यूपीएस, आपके आपके घर के अंदर सोलर सिस्टम थोड़ा सा लगा हो जो यूपीएस हो, आपके इंटरनेट चल रहे हैं, आप चीज़ें अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं, पंखे लाइट्स आपके पास हैं, आप गाड़ी में हैं तो उसके लिए गाड़ी के सिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं। ये एक बड़ी मज़े की डिवाइस है जो कि सारे सिस्टम से आपको इंडिपेंडेंट कर देती है। ये टॉर्च भी है, फिलहाल ये बिल्कुल डिस्चार्ज हुई हुई है जैसे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, आप इसको धूप में रख दीजिए ये चार्ज हो जाएगी, और इसके अंदर बिल्ट इन रेडियो भी है, आप इसमें खबरें भी सुन सकते हैं, आपने रेडियो सुनना है आप इसमें ऑन कर लीजिए उसको सुन लीजिए। और अगर बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया ये और दिन के वक्त आप इसको चार्ज भी नहीं कर सकते तो इसमें एक मैनुअल चार्जर लगा हुआ है, आप हाथ से घुमाइए तो ये आप देखेंगे ये चार्ज होना शुरू हो गई। अब जितना मैं घुमाता जाऊँगा ये चार्ज होती जाएगी, 10-15 मिनट मैं घुमाऊँ तो इसमें 15-20 मिनट का चार्ज जमा हो जाता है, ये रोशनी भी देगा मुझे, रेडियो भी काम करेगा इसका। सो दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट, ये बिजली और बैटरी सबसे इंडिपेंडेंट है, इसके लिए चार्जिंग जो है इसके अंदर जो बैटरी सिस्टम लगा हुआ है वो सोलर से और मैनुअल चार्ज होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी टॉर्च अपने साथ को ऐसा सिस्टम जरूर रखें, क्योंकि ये रेडियो भी है, ये टॉर्च भी है, और ये चार्जिंग सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है।
और इनफैक्ट अगर इसके पीछे मैं कनेक्टर लगा दूं तो ये और चीजों को चार्ज करने के भी काम आएगा। अगर मैं हाथ से घुमाता रहूं तो ये मेरे जो चार्जेबल लाइट्स हैं या चार्जेबल मेरे दूसरे सिस्टम्स हैं, ये उनको मोबाइल है उसको भी ये चार्ज कर देगा। सो ये सिस्टम्स दे आर वेरी यूजफुल, कोशिश करें कर इस तरह का कोई सिस्टम आपको मिल जाए। तो ये बात तो हुई जनरली लाइटिंग्स के बारे में। आप आहिस्ता आहिस्ता इनको जमा करें, जो अफोर्ड कर सकता है जल्दी कर ले, मगर ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक आइटम जिसका ताल्लुक लाइटिंग से नहीं है लेकिन सर्वाइवल से है, वो ये गैस मास्क है। ये दो तरह के गैस मास्क मैं आपको दिखा रहा हूं। वाई गैस मास्क? आपने देखा था कि जब इराक पे हमला किया, जंगे हुई, तो सारे तेल के कुओं को आग लगा दी थी उन्होंने। तो नतीजा ये हुआ कि पूरा इराक और पूरा कुवैत के अंदर सिर्फ धुआं धुआं था और कोई इंसान सांस नहीं ले सकता था। हमारा दुश्मन जितना कमीना है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो या तो ऑयल रिफाइनरीज को हिट करेगा या नेपाम बम ड्रॉप करेगा या केमिकल और गैस वॉरफेयर करेगा। सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन और गैस वॉरफेयर भी की थी अपने आजकल की जंगों में। शाम में भी इन्होंने कई जगह पे बच्चों के ऊपर गैस वॉरफेयर की है। सो ये जो गैस मास्क हैं, चाहे टीयर गैस हो, चाहे केमिकल वॉरफेयर हो, गैस वॉरफेयर हो, चाहे कोई आग लग जाए तो उसका धुआं हो, ये मास्क आपको उस किस्म के इन्वायरमेंट में काम आते हैं। और वो जो आजकल आप कोविड की वजह से मास्क लगाए हुए, वो उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में वो काम नहीं करते। सो एवरी फैमिली शुड हैव टू और थ्री ऑफ दीज मास्क। क्यों? घर के अंदर तो चलो आप बंद करके बैठ जाएं, किसी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, दरवाजे खिड़कियां सील कर दें, लेकिन जो घर से बाहर है, जिसको फील्ड ड्यूटी करनी है, जिसको सिक्योरिटी ड्यूटी करनी है, जिसको फील्ड में लड़ना है, जिसको जंग भी साथ करनी है, इसीलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया की जो पुलिस है वो जब टीयर गैसिंग करती है लोगों पे तो अपने साथ मास्क रखती है। तो ये एक सर्वाइवल इक्विपमेंट है आज के दौर में, खासतौर पर जब इस तरह की टीयर गैसिंग और गैस वॉरफेयर और आग लगने का जो अंदेशा और उसकी वजह से धुआं और पोल्यूशन इवन खतरनाक लेवल पे हो। ये उसी तरह का मास्क है, ये जरा डिफरेंट मॉडल है। ये तो आप पहन लेते हैं अपने नाक के ऊपर, लेकिन इसकी आंखें खुली रहती हैं, लिहाजा इसके लिए गॉगल आपको अलग लगानी पड़ती है। वो जो मोटरसाइकिल की गॉगल आती है जो पूरी आंख को कवर कर लेती है, वो दो पीस में होता है, आंख पे पहन लीजिए और ये आपके पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को कवर कर लेगा। ये जो है आपके टोटल फेस को और ब्रीदिंग सिस्टम को, आइस को, सबको कवर कर लेता है। सो दोनों तरह के मॉडल्स हैं, बट यू मस्ट हैव दीज एज वेल। अगर आप ये लेंगे तो उसके साथ आई प्रोटेक्शन आपको लाजमन अलग से लेनी पड़ेगी, और अगर आप ये लेते हैं तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और इनको सिर्फ ये नहीं कि आपने ये इक्विपमेंट ले लिया है, इन इक्विपमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इनको पहनकर आपको चंद घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कितनी देर पहन के इसको गुजारा कर सकते हैं। लोगों की सांस बंद होने लगती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उल्टियां आने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। आप इक्विपमेंट खरीद लें इस्तेमाल ना आता हो, इक्विपमेंट खरीद लें उसकी स्पेयर बैटरीज ना हो, इक्विपमेंट खरीद लें आपको ये ना पता हो कि इसको मैंने इंस्टॉल करके चार्जिंग आपस में चार्जिंग सिस्टम से काम किस तरह करना है, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर ट्रेनिंग। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर कि आप लाइव एक्सरसाइजेस करें और देखें कि अपने आप को डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में डाल के क्या आपके पास इक्विपमेंट पूरा है, कहीं आप मुश्किल एनवायरनमेंट में इसके साथ गुजारा कर सकते हैं या नहीं। यू ओनली प्रैक्टिस इन पीस टाइम, मैदान जंग में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं होती। और जो वक्त पे तैयारी नहीं करता वो फिर बड़ा जलील होता है मैदान जंग में। जो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। जज़ाकअल्लाह खैर। अपनी तैयारी कीजिए।